दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शंस बिल्कुल करीब आ चुके हैं जी। कल यानी 19 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से दुबई के कोका कोला एरिना में हमें टाटा आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में बीसीसीआई आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रही सभी टीमें फिलहाल आईपीएल की नीलामी के लिए दुबई जा चुकी है जी। हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि सभी टीमों ने अपने स्पेशल प्लान, स्पेशल ऑक्शन स्ट्रेटेजी यहां पर नीलामी के लिए बना रखी है। लेकिन इसी बीच आप सभी आईपीएल फैंस के लिए, आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजियों के लिए बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2024 को लेकर 5 बहुत ही बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हैरान करने वाली खबरें निकल कर आ रही है। और भाई ये खबरें थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, जहां पर रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर हमें ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली है। क्या सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को छोड़ने के लिए जा रहे हैं? मुंबई इंडियंस को इस बड़े डिसीजन के बाद क्या बड़े बड़े नुकसान हुए हैं? यानी भाई ये 5 खबरें सीरियसली आप सभी आईपीएल फैंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग बीसीसीआई ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर रिवील कर दिए, जहां पर भी आपको पता है 12 दिसंबर को पहली ट्रेड विंडो बंद हो चुकी थी, लेकिन ट्रेड विंडो की रीस्टार्ट डेट यहां पर बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिए, जहां पर आईपीएल 2024 की नीलामी के जस्ट बाद, यहां 19 दिसंबर को नीलामी है, 20 दिसंबर से यहां पर आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो एक बार फिर से चालू होने के लिए जा रही है, जहां पर हमें बहुत सारे बड़े बड़े आईपीएल 2024 के ट्रेड्स आईपीएल की सभी टीमों के बीच देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑक्शन के आगाज से पहले आज यहां पर 3-4 बहुत ही बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हां, मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने नए कप्तान की घोषणा की। हार्दिक पांड्या को इन्होंने अपना कप्तान बनाया, रोहित शर्मा को इन्होंने सैक किया। लेकिन इस चीज से मुंबई इंडियंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? तो भाई आपको बता रहे जाऊंगे किस तरह से यहां पर एक डिसीजन, एक फैसला सब कुछ बदल के रख सकता है, ये हमें रिसेंटली देखने को मिला है। जी हां, पूरे क्रिकेट के इतिहास में अभी तक इतनी हेट किसी भी टीम को, किसी भी फ्रेंचाइजी को नहीं मिली जितनी पिछले 3 दिनों में यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को फेस करनी पड़ी है। सीरियसली फॉलोअर्स के मामले में इस टीम को बहुत ही बड़ा बैकलैश यहां पर हुआ है, जहां पर इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर्स को लूज कर दिया। जी 15 लाख लोगों ने इस टीम को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। वही ट्विटर यानी एक्स पर भी लगभग 1 मिलियन के आसपास लोगों ने इस टीम को अनफॉलो कर दिया। भाई सोशल इस टीम को बहुत ही बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है, जिससे भाई ब्रांड्स भी सीरियसली इस फ्रेंचाइजी से थोड़े से नाराज, थोड़े से निराश यहां पर जरूर होने वाली है। फॉलोवर्स यहां पर लूज हुए हैं, तो भी डेफिनेटली यहां पर ब्रांड वैल्यू भी लूज होने वाली है। रोहित शर्मा की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ऊपर की तरफ यहां पर जाती हुई हमें नजर आएगी। लेकिन दोस्तों एक स्क्रीनशॉट यहां पर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर मुंबई इंडियंस के फैंस थोड़ा सा कुछ रिसर्च कर रहे थे। वहां पर ऐसा ढूंढा गया कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फेक फॉलोवर्स को भी गेन करना यहां पर शुरू किया। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, तो भाई कहीं ना कहीं मतलब इसमें मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को बहुत कुछ फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में हार्दिक पांड्या के ऊपर भी फिलहाल बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्या इस प्रेशर में आकर वो कैप्टनसी को छोड़ सकते हैं, कैप्टनसी को स्टेप डाउन कर सकते हैं? इसके ऊपर भी अलग अलग तरह के अपडेट्स है। मुंबई इंडियंस टीम का कोई भी खिलाड़ी यहां पर मुंबई इंडियंस टीम के इस डिसीजन से हमें खुश देखने को नहीं मिला है। कुछ दिनों पहले जसप्रीत बुमराह ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, उसके बाद आपके मतलब अनाउंसमेंट के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी हर्ट ब्रोकन एक इमोजी शेयर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर की थी, जिसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो फैसला था मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत ही ज्यादा हैवी पड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आप सभी के लिए, क्रिकेट इंडिया फैमिली के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी मेंबर्स के लिए एक स्पेशल गिव अवे अनाउंसमेंट आप सभी लोग साइड में देख पा रहे होंगे, जहां पर आप में से काफी सारे लकी सब्सक्राइबर्स, लकी फॉलोअर्स जीत पाएंगे अपनी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी। करना कुछ भी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर जाकर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं रोहित शर्मा के ट्रेड के बारे में। तो भाई जैसे ही आप सभी को बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा को एज कैप्टन यहां पर सैक किया, उसके बाद से रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर हमें अलग अलग तरह के अपडेट्स देखने को मिले हैं। चलिए वन बाय वन हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहां पर गुजरात टाइटंस टीम की तरफ से अपडेट निकल कर आया, जिस वक्त
पर इन्होंने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच यह ट्रेड हुआ था। उसी वक्त पर गुजरात टाइटंस की टीम ने ऐसा बोला था कि आप अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को सॉरी आपके कप्तान रोहित शर्मा को हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए। तो भी उस वक्त पर यहां पर मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने इस ऑफर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद भाई ऐसी यहां पर रिपोर्ट्स निकल कर आएगी, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी मुंबई इंडियंस की टीम को अप्रोच किया कि भाई हमें भी एक भारतीय अच्छे कप्तान की जरूरत है, हम रोहित शर्मा को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ यहां पर एक अच्छा ट्रेड कर लीजिए। तो भाई यहां पर उन्होंने ऐसा कंफर्म किया कि भाई कुछ रीजंस है जिसके चलते भाई हम इस ट्रेड को नहीं कर सकते हैं। और भाई रीजंस यहां पर ऐसे निकल कर आए थे कि भाई कोई आइकॉन प्लेयर यहां पर बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक ट्रेड नहीं हो सकता। लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया, अगर आइकॉन प्लेयर ट्रेड नहीं हो सकता तो भाई हार्दिक पांड्या आपकी गुजरात टाइटंस टीम के आइकॉन प्लेयर थे, वो कैसे यहां पर ट्रेड हो गए, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर बन गया है। खैर दोस्तों उसके बाद यहां पर मामला थोड़ा सा और आगे की तरफ गया और भाई यहां पर मतलब उसके बाद चेन्नई सुपर किंग को लेकर बड़े अपडेट हमें देखने को मिले। सीएसके की पोस्ट पर एक हमें ट्वीट एक हमें कमेंट यहां पर रोहित शर्मा की वाइफ की तरफ से देखने को मिला, जिसके बाद भाई हर जगह पर ऐसा फैल गया कि हो सकता है कि ये चेन्नई सुपर किंग टीम में ट्रेड हो जाए। लेकिन दोस्तों अब ट्रेड की असली रियलिटी तो हमें 20 दिसंबर के बाद ही पता चलेगी। 20 दिसंबर को आईपीएल की ट्रेड विंडो दोबारा से यहां पर चालू होने वाली है, उसके बाद हमें ट्रेड के रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट फर्दर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस का डाउट भी मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कट करना चाहूंगा, जहां पर भाई मतलब कुछ लोग क्लेम कर रहे थे क्या वो आपकी आरसीबी में ट्रेड हो सकते, तो भाई मुझे पर्सनली फील नहीं हो रहा कि वो ट्रेड यहां पर होने वाले नहीं है, क्योंकि भाई इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी डील मुंबई इंडियंस के साथ कर लिया है। 17.5 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस इन्होंने ऑलरेडी यहां पर कैमरून ग्रीन के बदले में यूज कर लिया है, तो भी ऐसे में यहां पर इतना बड़ा इनका पर्स बैलेंस नहीं कि रोहित शर्मा को भी हायर कर सके, क्योंकि भी आपको पता है इनको अपने गेंदबाजों पर अपने बोलिंग डिपार्टमेंट पर काम करना है, तो भी सीरियसली यहां पर हमें कोई खास चीज देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दो स्टार खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर फिलहाल आपस में डिस्कशन में है। अब वो कौन स्टार है, क्या वो जसप्रीत बुमराह है, क्या वो सूर्य कुमार यादव है, कौन है, बहुत बड़ी मतलब यहां पर मिस्ट्री है। लेकिन फिर भी किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट हमें यहां पर रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव को लेकर। जी हां, सूर्य कुमार यादव एक बड़ा नाम, मुंबई इंडियंस टीम का एक आइकॉन प्लेयर, T20 फॉर्मेट का वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज, नंबर वन रैंक्ड बल्लेबाज, लेकिन अचानक से यह खिलाड़ी भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे। जी हां, जब यहां पर मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने अपने नए कप्तान के अनाउंसमेंट की तो भाई रोहित शर्मा ने यहां पर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी, भाई उन्होंने हर्ट ब्रोकन इमोजी अपनी स्टोरी में शेयर की थी। उसके बाद भाई इंटरनेट पर हमें अलग अलग तरह के रूमर्स देखने को मिले कि सूर्य कुमार यादव यहां पर इस टीम को छोड़ सकते हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने दिया है इससे सीरियसली कोई भी प्लेयर यहां पर खुश नहीं है, बुमराह भी खुश नहीं है, सूर्य भी खुश नहीं है, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में इन खिलाड़ियों को भी कैप्टनसी मिल सकती थी। लेकिन भाई मुंबई इंडियंस की टीम ने इतना बड़ा स्टेप यहां पर जरूर लिया है, लेकिन भाई अब यहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को लीव करने वाले हैं। रूमर्स यहां पर हमें इंटरनेट पर देखने को मिले हैं, लेकिन दोस्तों ये जो रूमर्स है टोटली यहां पर फेक है। फिलहाल इस टाइप की कोई भी खबर हमें इंटरनेट पर देखने को नहीं मिली है, ना हमें कहीं पर ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिली है। मैंने काफी जगह पर रिसर्च की सूर्य कुमार यादव के बारे में कि क्या वो सीरियसली यहां पर मुंबई इंडियंस को लीव करने वाले हैं, तो भाई सीरियसली मैंने हर जगह पर हर चीज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी इसके बारे में कोई भी प्रूफ कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो अपडेट निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर। अब कैसा होगा हिटमैन का फ्यूचर, क्या वो मुंबई के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर किसी टीम में ट्रेड हो जाएंगे, अलग अलग बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क, बड़े बड़े सवाल यहां पर सभी लोगों के जहन में है। पर्सनली मैं भी रोहित शर्मा का एक बहुत ही बड़ा फैन हूं, मेरे मन में भी ये सवाल थे, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, तो भाई कहीं पर कुछ खबरें तो हमें ऐसी भी देखने को मिली कि भाई रोहित शर्मा हो सकता है कि आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन को आईपीएल 2024 को स्किप कर दे, एडिशन का हिस्सा ना बने, और भाई उसके बाद आईपीएल 2025 में डायरेक्ट ओमेगा ऑक्शन का हिस्सा बने। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है, वो डेफिनेटली इस साल तो हमें मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे, लेकिन आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन से पहले मतलब ऐसा कंफर्म किया जा रहा है कि हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेंगे, जिसके चलते हर टीम अपने स्क्वाड में केवल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी। मुंबई इंडियंस अपने 3 इंडियन और 1 ओवरसीज खिलाड़ी के स्लॉट को लगभग यहां पर फिक्स कर चुका है। सबसे पहले अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को रिटेन करेंगे, फिर ये T20 फॉर्मेट
के नंबर वन बैट्समैन सूर्या को रिटेन करेंगे, उसके बाद भाई आपके टी ट्वेंटी फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ही रिटेन करेंगे। और भी ऐसे में मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन की मेगा ऑक्शन के लिए ये अपने स्क्वाड से रोहित शर्मा को रिलीज कर दे। अगर रोहित शर्मा यहाँ पर नीलामी का हिस्सा बन जाते हैं तो ऐसे में करोड़ों रुपए की बरसात हमें रोहित शर्मा के ऊपर डेफिनेटली आईपीएल की नीलामी के दौरान देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2024 की नीलामी को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर भाई फाइनली एडमिट्स की यहां पर छुट्टी कर दी गई है। अब की बार नई ऑक्शनियर यहां पर आईपीएल को दुबई में होस्ट करने वाली है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मल्लिका सिंह वो नाम है जो भाई आईपीएल 2024 की नीलामी को दुबई में कोका कोला एरिना में होस्ट करने वाली है। पहली बार कोई वुमेन ऑक्शनियर यहां पर होने वाली है। इन्होंने ही WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन को होस्ट किया था। तो भाई सीरियसली अब की बार जो नीलामी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों ये बड़े अपडेट्स आज की तारीख में आईपीएल को लेकर निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।